दोस्तों एक ही खिलाड़ी पर आया काव्या मारन और प्रीति जिंटा का दिल। नीलामी में दोनों 35 करोड़ तक खरीदने को तैयार। आपको बता दें कि इस वक्त सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी की निगाहें वर्ल्ड कप 2023 पर टिकी हुई है, क्योंकि वर्ल्ड कप के खत्म होने के तुरंत बाद आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन होना है, जिसके लिए सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सनराइजर हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन और पंजाब किंग की मालकिन प्रीति जिंटा ने भी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने आगामी आईपीएल के लिए खिलाड़ियों को चुनने की लिस्ट भी बना ली है, मगर दोनों ने जो लिस्ट बनाई है उसमें एक ऐसा खिलाड़ी शामिल है जिसको लेकर दोनों में लड़ाई तक हो सकती है। तो आइए जानते हैं आखिरकार वो खिलाड़ी कौन है। जी आपको बता दें कि आईपीएल 2024 के दौरान 35 करोड़ तक बोली लग सकती है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को हुआ था और इसकी समापन तिथि 19 नवंबर को होगी, जिसके बाद अगले ही महीने यानी दिसंबर में आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा। ये ऑक्शन दुबई में होने वाला है, मगर उससे पहले सभी टीमों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को अपनी सभी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी है, जिसमें कई टीमों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही आईपीएल 2024 के ऑक्शन के लिए नए खिलाड़ियों ने अपनी टीम शामिल करने का भी मन बना लिया है। आपको बता दें कि दोस्तों दरअसल रचिंद्र रविंद्र पर दोनों की निगाहें हैं। न्यूजीलैंड टीम के स्टार युवा ऑलराउंडर रचिंद्र रविंद्र ने वर्ल्ड कप में शुरुआत में अपनी टीम के लिए काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिखाया, हालांकि वो सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाफ कुछ खास नहीं कर सके, जिसके चलते उनकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। रचिन ने मौजूदा वर्ल्ड कप में 578 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक भी शामिल हैं, और साथ ही उन्होंने 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया है। ऐसे में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनका करोड़ों में बिकना तय है और प्रीति जिंटा की निगाहें रचिन रविंद्र पर टिकी हुई है। साथ ही दोस्तों अन्य फ्रेंचाइजी भी रचिन रविंद्र को खरीदना चाहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सी टीम रचिन रविंद्र को खरीद सकती है और किस टीम के लिए ये सबसे बेस्ट खिलाड़ी होंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।